हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डेटा लीकेज का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने रजिस्टर, लॉगिन, उसके बाद सर्वर स्टार्ट नहीं था, अभी मैं ये सर्वर स्टार्ट किया। इसके बाद आपका जो लॉगिन रजिस्टर का फंक्शनलिटी है वो वर्क करने लगेगा। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद अपलोड फाइल, डाउनलोड फाइल, शेयर फाइल और डिटेक्ट वाटरमार्क। अगर अगर एक ने फाइल अपलोड किया अगर एक ने फाइल अपलोड करने के बाद शेयर किया तो वो किसने डिटेक्ट वाटरमार्क, मतलब उसमें का जो वाटरमार्क है वो हम डिस्प्ले करेंगे। मतलब किसने किसको शेयर किया था वो फाइल, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने तीन दो सॉफ्टवेयर्स यूज किए। एक स्पाइडर है, स्पाइडर हमारा पाइथन का आईडीई है जिसमें हम आपकी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद ये स्किल योग है, स्किल योग में आपका डेटाबेस व्यू होगा। तो हमने हमने ये वेबसाइट फ्लास्क में डिप्लॉय की है। फ्लास्क क्या है, फ्लास्क एक आपकी फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप पाइथन की वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो पाइथन के वेब डेवलपमेंट के लिए हमने फ्लास्क यूज किया है। तो फ्लास्क में जो जो लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं हम लोग, वो पहले डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने वो डिफाइन करने के लिए ये फ्लास्क यूज किया है, सॉरी डिफाइन करने के लिए हमने ये इम्पोर्ट्स यूज किए है। तो फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लैश फ्लास्क, इसके बाद सेशन, सेशन क्रिएट करने के लिए रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर फ्लास्क में हम, और इम्पोर्ट किया है रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट आपका एचटीएमएल पेजेस पे रिडायरेक्ट होने के लिए हमने रेंडर टेम्पलेट यूज किया है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आपका जो फॉर्म यूजर इनपुट देगा वो इनपुट हम बैकएंड में रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट यूज करेंगे। PyMySQL, PyMySQL आपका पाइथन का एसक्यूएल योग है, पाइथन का एसक्यूएल है। इसके बाद ये रैंडम, रैंडम की वजह से हम एक पासवर्ड जनरेट करेंगे जो हम फाइल इंक्रिप्शन के लिए यूज करने वाले हैं। इसके बाद ये AES की रैंडम, इसके बाद RSA, RSA यूज किया है। इसमें दो एल्गोरिदम्स यूज होने वाले हैं, RSA एंड AES। AES हम यूज करेंगे इमेज इंक्रिप्शन के लिए, और RSA हम यूज करने वाले हैं AES की जो की है वो इनक्रिप्ट करने के लिए हम RSA यूज करेंगे। तो ये IPFS है, इंपोर्ट IPFS API। IPFS आपका इन प्लानिटरी फाइल सिस्टम है जिसमें फाइल अपलोड करने के बाद एक हैश वैल्यू आएगी, वो हैश वैल्यू यूनिक रहेगी, उस हैश वैल्यू से हम वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइल फाइल अपलोड होने के लिए जो फोल्डर्स डिफाइन किए है वो हमने उसका पाथ असाइन किया है। इसका डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने दो फंक्शंस लिखे हैं, डीबी कनेक्शन और डीबी क्लोज। तो इसमें क्या है, कनेक्शन pymysql.connect आपका लोकल होस्ट, ये आपके इस SQL योग का ऑथेंटिकेशन ये है। यूजर, यूजर नेम क्या है, रूट, पासवर्ड भी आपका रूट है। डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आपका क्या है, डेटा लीकेज। तो इस डेटा लीकेज टेबल में आपके फोर टेबल्स हमने यूज किए हैं। अगर डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ तो आपका कनेक्शन रिटर्न होगा, अगर नहीं हुआ तो वो
प्रिंट क्या करेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। इसके बाद आपका फर्स्ट पेज कौन सा आएगा वो हमने डिफाइन करने के लिए, अभी मैं एप डॉट पाई रन कर रहा हूँ। एप डॉट पाई रन करने के बाद आपका ये क्या आ रहा है, लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस। इसके बाद ये आपका 5000 फ्लास्क का पोर्ट नंबर है, फ्लास्क का पोर्ट नंबर। तो आपका उसके बाद है स्लैश, तो स्लैश पे आपका इंडेक्स फंक्शन रन होगा। तो इंडेक्स फंक्शन में आपने कौन सा पेज टेम्पलेट में दिखाया है, index.html। तो ये पेज लोड होगा, अभी मैं रन करने के बाद आपको ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 5000 टाइप करना है, तो आपको फर्स्ट पेज दिखेगा। तो आपका ये फर्स्ट पेज है index.html। तो सब पेजेस हमने टेम्पलेट्स में रखी है, और स्टैटिक में जो CSS है, ऑल फाइल्स जो डाउनलोड होगी, अपलोड होगी, वो हम स्टैटिक में स्टोर करने वाले हैं। तो टेम्पलेट्स में index.html पे आपके दो फॉर्म्स दिख रहे हैं, ये है लॉगिन का फॉर्म और ये है रजिस्टर का फॉर्म। तो वो फॉर्म्स कैसे आ रहे हैं, वो फॉर्म्स हम डिस्प्ले करने के लिए दो डेटा टारगेट यूज करने वाले हैं। डेटा टारगेट में आपका ये लॉगिन का बटन है, ये रजिस्टर का बटन है। इसमें डेटा टारगेट में उस फॉर्म का आईडी हमने पास किया है, तो ये हमारा रजिस्टर का फॉर्म है। रजिस्टर फॉर्म का ड्यू क्या है, उसका आईडी, उस ड्यू का आईडी है माय मॉडल। तो वो आईडी हम पास किया है। उसके बाद माय लॉगिन पे आपका कौन सा फॉर्म डिस्प्ले होगा, जो लॉगिन के लिए फॉर्म हमने डिफाइन किया है वो। तो रजिस्टर के फॉर्म में क्या है, रजिस्टर के फॉर्म में आपका 5 इनपुट्स है। एक इनपुट है यूजर नेम के लिए, दूसरा DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। हर एक के लिए हमने इनपुट पास किया है, और ये बटन है, आपका रजिस्टर। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है, इसका एक्शन हमने पास किया है /register। तो आपका ये फॉर्म इस URL पे सबमिट होगा। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमने मेथड कौन सा यूज किया है, मेथड है पोस्ट। तो हर एक इनपुट की वैल्यू हम बैकएंड में रिट्रीव करने के लिए नेम वैल्यू यूज करेंगे। नेम यूजर नेम है, DOB है, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। तो ये आपका रजिस्टर का फंक्शन है। इस मेथड पे आपका फॉर्म है वो सबमिट होने वाला है। तो आपका वो रिक्वेस्ट चेक कर रहा है, request.method आपका पोस्ट है कि नहीं। अगर उस फॉर्म का मेथड पोस्ट नहीं रहेगा तो वो बैक एंड में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, request.form से हम क्या करेंगे, उसकी नेम वैल्यू पास करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, DOB और मोबाइल। हर एक की वैल्यू हम बैकएंड में रिट्रीव करने के बाद SQL की क्वेरी की है, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स के ऐप का यूजर्स एक टेबल है जिसमें हम ऑल यूजर्स का डेटा स्टोर करेंगे। तो हर एक का रजिस्ट्रेशन का डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स इस टेबल में ये कॉलम की वैल्यूज है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, और जो वैल्यूज है वो हम यूजर से रिट्रीव करने के बाद हम इधर पास करेंगे। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, आपका कर्सर क्या है,
आपका कौन है, db connection, उसके बाद कर्सर है आपका con.cursor, तो cursor.execute से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, क्वेरी और वैल्यूज पास किए है हमने, con.commit से वो डेटा स्टोर होगा। इसके बाद अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया तो हम जाएंगे index.html, वही पेज पे जाएंगे, उसी पेज पे लॉगिन का फंक्शन है, लॉगिन के फंक्शन में हमने लिखा है आपका फॉर्म है, वो मेथड आपका पोस्ट है, वो फॉर्म सबमिट होगा, वो फॉर्म सबमिट करने के लिए हमने एक न्यू वे फाइंड किया है, इसमें हम इस फॉर्म का जो डेटा है वो हम jQuery से पास करेंगे। तो ये फॉर्म, इस फॉर्म का जो बटन है, इस बटन का आईडी है btnlogin, तो btnlogin.click पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है, वेयर ऑफ यूजर नेम पासवर्ड और ये डेटा, तीन वेरिएबल्स है, इसमें हमने क्या किया है यूजर नेम की वैल्यू रिट्रीव करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। इसके बाद पासवर्ड की जो वैल्यू है उसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, तो ये हमने पास की है उसकी आईडी, तो इस इनपुट का जो आईडी है वो हमने पास किया है, और पासवर्ड के लिए इस इनपुट का जो आईडी है वो पास किया है। इसके बाद ये डेटा हम पास करेंगे HX कॉल से, मेथड है पोस्ट, किसी URL पे लॉगिन के फंक्शन पे जाएगा। लॉगिन के फंक्शन पे जाने के बाद आपका डेटा क्या है, एक डिक्शनरी फॉर्म है, यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यूज। इसके बाद जो डेटा इधर पोस्ट होगा, यूजर नेम और पासवर्ड वो रिट्रीव होने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स के टेबल में चेक करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड है क्या, जो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने पास किया है वो डेटाबेस में है क्या, अगर उसका काउंट निकला हमने, उसका काउंट क्या आया है, काउंट आपका अगर 1 आएगा तो वो क्या करेगा, सक्सेस रिटर्न करेगा, पर उसके पहले सेशन क्रिएट करेगा, उसका सेशन नेम और जो यूजर नेम यूजर ने पास किया था वो। उसके बाद अगर उसको नहीं मिला तो वो क्या रिटर्न करेगा, फेल वैल्यू। तो इधर सक्सेस में हम चेक करेंगे कि आपका डेटा में वैल्यू क्या आया है, अगर आपका डेटा में वैल्यू फेल आया है तो क्या करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, अगर फेल नहीं आया सक्सेस आया रहेगा तो वो क्या करेगा, स्लैश मेन पे जाएगा, स्लैश मेन में क्या आपका window.location.replace/main, आपका स्लैश मेन फंक्शन कौन सा, स्लैश मेन पे आपको कौन से पेज पे जा रहे हो, index1.html, तो index1.html पे आपके इतनी फंक्शनलिटी है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद हम अपलोड फाइल है, डाउनलोड फाइल है, शेयर फाइल है, अभी मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ। इधर दो फाइल्स है, ये फाइल अपलोड होगी teamwork.html। तो अपलोडिंग का फंक्शन है, अपलोडिंग का फाइल है uploadfile.html, uploadfile.html पे आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म का जो डेटा है वो हम बैकएंड में कैसे रिट्रीव करेंगे, इससे jQuery से यूज करेंगे। आपका जो btn सबमिट
बटन क्लिक होगा, बिटवीन सबमिट आपका अपलोड का बटन है, अपलोड फाइल का बटन, तो बिटवीन सबमिट बटन क्लिक करने पे आपका जो फॉर्म का डेटा है वो फॉर्म का डेटा हम पोस्ट मेथड के हेल्प से अपलोड फाइल पे पोस्ट करेंगे। तो अपलोड फाइल के पोस्ट अपलोड फाइल पे आपका क्या है, अगर आपका मेथड पोस्ट रहेगा तो request.files आपका जो फाइल है वो बैकएंड में रिट्रीव करेगी। बैकएंड में रिट्रीव करने के बाद आपका F2 में जो फाइल आएगा वो हम सेव करेंगे किसके हेल्प से, F2.save से। तो अब उसके पहले हमने उसको उसका फाइल नेम रिट्रीव किया है, फाइल नेम _secure ये वेरिएबल है, इसमें सिक्योर फाइल F2.file name। तो उसका फाइल नेम रिट्रीव होने के बाद वो हमने स्टोर किया किस बात पे, इस बात पे, इस बात पे आपका यूजर नेम का एक फोल्डर क्रिएट किया है पहले तो MKDIR से। जो फाइल्स है उस फाइल में हम यूजर नेम का यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। वो फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसमें फाइल स्टोर करेंगे F2.save से। वो फाइल सेव होने के बाद उसका जो नाम है वो हम डेटाबेस में एंट्री कर देंगे, क्या select*from file details। फाइल डिटेल्स के टेबल में इस फाइल नेम के नाम का और अपलोडर के नाम का कोई वैल्यू है क्या। अगर इस फाइल में अगर एक ही यूजर ने सेम फाइल अपलोड की तो वो अपडेट होगी। तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया है, उसका रो काउंट चेक किया, अगर रो काउंट 1 है तो वो अपडेट होगी, अगर 0 है तो वो इंसर्ट होगी। इंसर्ट होने के लिए इंसर्ट इनटू फाइल डिटेल्स, इस टेबल में हमने फाइल नेम और अपलोडर के कॉलम्स में वो वैल्यूज पास की। तो cursor.execute से ये SQL क्वेरी और वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी, इसके बाद रिटर्न हम कर रहे हैं सक्सेस वैल्यू। तो अपलोड फाइल में आपका जो सक्सेस का डेटा आएगा वो डेटा हम चेक करेंगे फेल आया है या सक्सेस आया है। फेल आया तो उसमें मैसेज डिस्प्ले होगा, आपका मैसेज वैल्यू है हाँ ये हिडन वैल्यू है पहले तो इसको हमने हाँ वो वैल्यू अगर ब्लैंक रहे फेल वो उस इनपुट को सेट करेंगे। वो वैल्यू सेट करने के बाद वो चेक करेंगे अगर अलर्ट आपका फेल आएगा उसका वैल्यू तो वो अलर्ट शो करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुई रहेगी तो क्या करेगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसे अलर्ट शो करेगा। फाइल अपलोड होने के बाद डाउनलोड फाइल में हम क्या करेंगे, डाउनलोड फाइल के फंक्शन में /download पे आपका क्या है, जो यूजर नेम है वो सेशन में हम सेशन में से हम रिट्रीव करेंगे, session.get नेम वैल्यू पास की, इसके बाद उसी यूजर नेम की जो फाइल्स अपलोडेड है वो हम डिस्प्ले करेंगे, इधर डिस्प्ले करेंगे सिलेक्ट फाइल नेम फ्रॉम फाइल डिटेल्स और ये अपलोडर का नाम है मतलब जो यूजर नेम ने अपलोड की थी वो। इसके बाद cursor.fetchAll
फेचॉल से वो वैल्यूज रिट्रीव होंगी। रिट्रीव होने के बाद हमने वो रो पास की कौन से पेज पे, डाउनलोड डॉट एच टी एम एल पे। तो डाउनलोड डॉट एच टी एम एल पे आपको वो फाइल्स टेबल में डिस्प्ले होंगी। टेबल्स में डिस्प्ले होने के लिए फाइल नेम, ये टेबल हेडिंग है। इसके बाद हर एक की वैल्यू हमने पास की। इसके बाद ये डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड फाइल को कॉल जाएगा, इस यूआरएल को कॉल जाएगा, और शेयर पे बटन पे क्लिक करने के बाद शेयर फाइल को कॉल जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये फोटो डाउनलोड होके आपको डिस्प्ले होगी। डाउनलोड फाइल पे आपको सिर्फ स्टैटिक में फाइल में वो आपको वो डिस्प्ले होंगी वो उस पाथ पे। इसके बाद शेयर फाइल पे आपका क्या हो रहा है, शेयर फाइल पे आपका वाटरमार्क ऐड हो रहा है। तो शेयर फाइल पे आपका क्या हो रहा है, शेयर फाइल जैसे शेयर फाइल बटन क्लिक होगा तो आपका जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू हम बैकएंड में रिट्रीव करेंगे। बैकएंड में रिट्रीव करने के बाद वही वैल्यू हम जो यूजर नेम है, जो फाइल नेम है और जो यूजर नेम है वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले करेंगे। शेयर फाइल अभी इस पे बटन क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल नेम और ये यूजर नेम दिख रहा है, अपलोडर का नाम, और इधर जिसको फाइल शेयर करना है वो, तो वो हमने सेट किया है इसके हेल्प से, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा हमने रिट्रीव किया रोज में, और वो रोज हमने पास की शेयर फाइल डॉट एच टी एम एल पे। तो शेयर फाइल डॉट एच टी एम एल पे आपका वो वैल्यू सेट होंगी। अगर हमने वो वैल्यू जिसको यूजर, जो यूजर को सिलेक्ट करना है उस पे उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद शेयर फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, जो ए का वैल्यू है, फाइल यूजर नेम क्या है, रिसीवर क्या है, और जो फाइल का नाम है वो हमने क्या किया, फाइल नेम और जो रिसीवर है वो हमने शेयर फंक्शन पे पास किया है। मेथड है आपका पोस्ट। तो आपको शेयर में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से हमने जो फाइल नेम आई थी और जो रिसीवर है उसका नेम रिट्रीव करने करेंगे। रिट्रीव करने के बाद आपका जो फाइल का नाम आया है वो हम सर्च करेंगे आपके लोकल डेस्कटॉप पे। आपका आपको फाइल पाथ मिलेगा, फाइल पाथ पे क्या होगा, ओ एस डॉट पाथ ऑफ अपलोडेड जो फोल्डर है उसमें, तो ये पाथ हमने ये पाथ हमने क्रिएट किया है। इसके बाद वाटरमार्क ऐड करने के लिए हमने पहले वाटरमार्क अपलोडेड वाटरमार्क फोल्डर में एक यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। इसके बाद वही जो उस पाथ पे हमने एक इमेज क्रिएट की, उसका पाथ रहे उसका नाम रहेगा वाटरमार्क डॉट पीएनजी। तो इस पाथ पे आपकी वाटरमार्क की इमेज स्टोर होगी। तो हमने जो टेक्स्ट एम्बेड करना है वो टेक्स्ट जनरेट किया। इस टेक्स्ट में आपका क्या है, यूजर नेम, जो यूजर नेम है उसके आगे हमने एंड कॉन्कैटिनेट किया। इसके बाद जो रिसीवर है
ये है अपलोडर, ये है रिसीवर और ये है डेटा अपलोडिंग टाइम। तो उसको स्प्लिट करने के लिए हमने एंड वैल्यू पास ऐड किए उसमें। तो ये एम्बेडिंग का फंक्शन है, एम्बेडिंग अंडरस्कोर इन्फो, इसमें हमने फाइल पाथ पास किया है किस इमेज में जो टेक्स्ट है वो एम्बेड होगा। उसके बाद इमेज नेम है आपका, इमेज नेम है जो एम्बेडिंग इमेज क्रिएट होगी उसका पाथ है। इसके बाद ये टेक्स्ट कौन सा है जो टेक्स्ट एम्बेड करना है वो, ये तीन वैल्यूज हमने पास की। तो इस फंक्शन में हमने पास किया है सब तीनों वैल्यूज जो फाइल पाथ जिस इमेज में आपको टेक्स्ट एम्बेड करना है उसका पाथ, जो एम्बेडिंग इमेज क्रिएट होगी उसका पाथ और जो टेक्स्ट एम्बेड करना है वो। इसके बाद वो इमेज एम्बेडिंग इमेज जनरेट होगी इस पाथ पे। इसके बाद की हमने क्या किया है, आरएस से डॉट जनरेट से दो की ये की जनरेट की, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की से हम इंक्रिप्शन करेंगे और प्राइवेट की से डिक्रिप्शन। तो हमने जो पहले तो स्टैटिक में कीज में यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद उस पाथ पे हमने एक प्राइवेट डॉट पेम फाइल में जो आपकी प्राइवेट की है वो हमने स्टोर की है। स्टैटिक में कीज में यूजर नेम का फोल्डर और इस फाइल में हमने आपकी ये प्राइवेट की ऐसी रहेगी। तो इस प्राइवेट की से आपका टेक्स्ट डिक्रिप्शन होगा। हाँ, तो वो हमने प्राइवेट की पहले स्टोर की। प्राइवेट की स्टोर करने के बाद हमने एक रैंडमली पासवर्ड जनरेट किया, ये आपकी AES की है। तो इस AES की से हमको इमेज है वो एनक्रिप्ट करनी है। वो इमेज इनक्रिप्ट करने के लिए हमने एनक्रिप्ट फंक्शन यूज किया है। एनक्रिप्ट फंक्शन में हमने जो पासवर्ड है रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड है वो हमने पास किया और इधर इमेज का पाथ पास किया। तो आपका एनक्रिप्ट फंक्शन में क्या होगा, एनक्रिप्ट फंक्शन में की और फाइल नेम आने के बाद जो पब्लिक की है उस पब्लिक की को, हाँ तो ये आउटपुट फाइल का नाम है। आउटपुट फाइल आपका इस पाथ पे स्टोर होगी। आउटपुट फाइल जनरेट होने के लिए पहले तो आपका इनपुट फाइल है उसको रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में हमने ओपन किया और आउटपुट फाइल को राइट इन बाइनरी में ओपन किया। दोनों फाइल को ओपन करने के बाद हमने जो इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको हमने एनक्रिप्ट करके आउटपुट फाइल में राइट किया। आउटपुट फाइल डॉट राइट एनक्रिप्टर डॉट एनक्रिप्ट से मतलब हमने उसका जो डेटा एनक्रिप्ट किया था वो हमने आउटपुट फाइल में रिटर्न किया। तो एनक्रिप्ट करने के बाद वो इमेज एनक्रिप्ट होगी। वो इमेज इनक्रिप्टेड इमेज आपको कैसे दिखेगी, दिखा देता हूँ। तो वो इमेज इनक्रिप्ट होने के बाद हमने जो AES की जो पासवर्ड है वो हमको एनक्रिप्ट करना है। तो वो इनक्रिप्ट करने के लिए हमने पब्लिक की इंपोर्ट की
पब्लिक की इंपोर्ट करने के बाद उस पासवर्ड को पहले बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उसको पब्लिक की डॉट इनक्रिप्ट फंक्शन से हमने इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट करने के बाद उसको वो बाइट में था, उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपका न्यू फाइल API.add में हमने वो फाइल एनक्रिप्टेड इमेज फाइल हमने IPFS पे अपलोड की। IPFS पे अपलोड करने के बाद के लिए हमको API.add फंक्शन यूज करना है। API आपका हमने ऊपर डिफाइन किया है, API आपका IPFS का फंक्शन है। तो ये फाइल अपलोड करने के बाद हमने वो डेटा डेटाबेस में स्टोर किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेयर फाइल्स, इस टेबल में ये जो वैल्यूज पास की है, अगर वो फाइल पहले से रहेगी तो उसको अपडेट कर देगी, अगर नहीं रहेगी तो उसको इंसर्ट कर देगी। रिसीव फाइल्स में जो रिसीवर का नाम है उसके फाइल्स रिट्री होके रिसीव फाइल्स में आपको उस पेज पे दिखेगी। अभी ये जो शेयर फाइल करने के बाद ये जो डाउनलोड का फंक्शन है, इस डाउनलोड के फंक्शन में हमने क्या किया है, इस डाउनलोड के फंक्शन में जैसे ही इमेज डाउनलोड बटन पे क्लिक होगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल नेम है उसको, उस फाइल का हमने क्या किया है, स्टैटिक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो शेयर फाइल है उस टेबल में क्या होगा, ये जो फाइल नेम है और जो रिसीवर है उसके हिसाब से हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। वो वैल्यू रिट्रीव करने के बाद आपको सब वैल्यूज मिल जाएगी। ये डेटाबेस में हमने शेयर करते वक्त ऐड किया था, हर एक की पब्लिक की प्राइवेट की का नाम, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और आपका ये IPFS का हैश। आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इतना ये रहेगा, लॉन्ग रहेगा। इसके बाद हर एक की वैल्यू रिट्री होने के बाद हमने पहले तो प्राइवेट की को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद वो की में स्टोर होगा। की में स्टोर होने के बाद ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इस एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हमको डिक्रिप्ट करना है। तो उसको पहले बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट होने के बाद जो डिक्रिप्टेड डेटा है उसको हमने फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको अभी AES की मिल जाएगी। AES की मिलने के बाद वो उसको हमको डिक्रिप्ट करना है। जो एनक्रिप्टेड इमेज है अपलोड की थी वो हमको डिक्रिप्ट करना है। तो वो उस फाइल का डाउनलोड करेंगे पहले IPFS से। IPFS से फाइल डाउनलोड करने के लिए हमने ये फंक्शन, ये वो URL पास की। URL में सिर्फ हैश वैल्यू ज्वाइन करके पास किया है। तो वो फाइल, एक फाइल है वो हमने ओपन की, उसका जो डेटा है वो स्टोर करेंगे, राइट करेंगे उस फाइल में। तो वो फाइल डाउनलोड होने के बाद हमने डिक्रिप्ट फंक्शन को कॉल दिया। डिक्रिप्ट फंक्शन में जो IPFS से फाइल डाउनलोड होगी उसका पाथ और जो AES की डिक्रिप्ट हुई है वो की हम पास करेंगे। इसके बाद डिक्रिप्ट फंक्शन में क्या होगा, जो इनपुट फाइल है उसको रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में रीड करके उसका जो डेटा है वो आउटपुट फाइल में, उसको रीड करके उसका जो डेटा हम डिक्रिप्ट करके आउटपुट फाइल में राइट करेंगे। आउटपुट फाइल में राइट करने के बाद आपको इमेज वैल्यू, इमेज आपको इमेज मिल जाएगी। वो आपको तो आपको इमेज इस बात पे स्टोर होगी, स्टैटिक में डिक्रिप्टेड में आपको DNC ज्वाइन होके डिक्रिप्टेड पार्ट में DNC या आपका
OPFS का हैश वैल्यू ज्वाइन होके वो इमेज डिक्रिप्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, और वो आपको शो होगी डाउनलोड डॉट डाउनलोड डिस्प्ले डॉट HTML के पेज पे, डाउनलोड। तो इस पेज पे हमने सिर्फ इमेज एक लिए उसको src वैल्यू पास की है। तो शेयरिंग डाउनलोड फाइल ये हो गया, डिक्टेट वाटरमार्क पे आपका ये फाइल अपलोडिंग का एक ऑप्शन है। फाइल अपलोडिंग के बाद वो फाइल हमने बैकएंड में रिट्रीव किया, बैकएंड में रिट्रीव करने के बाद आपको सिक्योर फाइल नेम से वो उसका नाम आ जाएगा। वो नाम हम स्टैटिक में डिक्रिप्टेड में चेक करेंगे इस बात पे है कि नहीं, अगर इस बात पे नहीं है तो वो एरर शो करेगा। इसके बाद जो डिक्रिप्टेड फाइल है वो हमने पास की है, उसका पाथ हमने पास किया इस फंक्शन को, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फंक्शन को। तो एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ये क्या करेगा, आपका जो इमेज में हमने टेक्स्ट एम्बेड किया था उसको रिट्रीव करके वो टेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, यूजर नेम अपलोडर और टाइप मिलेगा। तो उसको हमने स्प्लिट किया है डेटा में, तो डेटा में आपका क्या होगा, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट हमने स्प्लिट किया एंड के वैल्यू से। तो वो डेटा हम नेक्स्ट पेज पे पास करेंगे डाउनलोड डिस्प्ले वाटरमार्क डॉट HTML के पेज पे, वो डेटा पास होगा। और जो फाइल टू डिस्प्ले, मतलब आपको जो फाइल डिस्प्ले करनी है वो, अभी मैं अपलोड करता हूँ एक फाइल डिक्रिप्टर के पास। तो आपको टेक्स्ट रिट्रीव होके उसको स्प्लिट करके हमने डिस्प्ले की है, तो वो इमेज हमको डिस्प्ले होगी और ये अपलोडर कौन था, रिसीवर कौन था और उसका टाइम। सो दैट्स इट, इतना ही है। थैंक यू।